हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.2। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में इन फ्रैक्शनों को जोड़ना है, प्लस करना है। सबसे पहले बच्चों इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के रूल पता होना चाहिए। तो बेटा यदि रूल आपको याद नहीं रहते तो आप बच्चों एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प से प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, कब बड़ा साइन आता है, कब छोटा साइन आता है, हर एक रूल को बेटा इस ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? यदि आपको सेम साइन मिले तो नंबर जोड़, ठीक है? यदि अपोजिट साइन मिले नंबर घटा। और बेटा लास्ट आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाना, ठीक है? अब बच्चों ये कैसे अप्लाई होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये बच्चों 5/4, ठीक है? अब ध्यान देना, मैं इस ब्रैकेट को खोलना चाहती हूँ, ओपन करना चाहती हूँ। यहाँ कौन से साइन है? प्लस के और माइनस के, ठीक है? प्लस का है, माइनस का है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा? यहाँ हमारी ट्रिक मदद करेगी। ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है, साइन कौन सा बनेगा? माइनस का। ये हो गया हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और ये बेटा 11/4। अब मैं आपको बेसिक बात भी बता देती हूँ, यहाँ माइनस कैसे आया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होते हैं उससे। यदि आपको ये रूल याद नहीं रहता तो ट्रिक याद कर लो, ठीक है? अब बेटा आप ध्यान दो, यहाँ एलसीएम निकाला जाता है नीचे के नंबर का। लेकिन बच्चों यदि नीचे के नंबर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो बेटा एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ता। क्या करेंगे? 4 बेटा दोनों में आ रहा है, नीचे एक बार ले दो, ठीक है? और बेटा ऊपर के नंबर साइन के साथ लिख लो, ठीक है? ये हो गया सॉल्यूशन। अब बेटा इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये प्लस का है, ये माइनस का है, कौन से साइन है? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मिले नंबर माइनस कर देना, तो 11 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा? 6, ठीक है? आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 11 है, उसके आगे माइनस है, तो माइनस लगा दो। अपॉन में क्या बेटा? 4। ये बच्चों 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, कर दो, ये 2 बार और ये 3 बार, आंसर क्या है बेटा? -3/2। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? यहाँ बेटा डिनोमिनेटर अलग अलग है, पिछले क्वेश्चन में सेम था। यदि डिनोमिनेटर आपको अलग अलग दिखे तो बेटा आपको एलसीएम देना है। किसका? 3 और 5 का ले लेते हैं, ये 3 और ये 5। सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, 1 आएगा, ये 5 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है? फिर 5 से डिवाइड करो, 1 आएगा। एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम आया 3 × 5, कितना हो गया बेटा? 15, ठीक है? एलसीएम 15 आया। अब बेटा यहां हम अपॉन में एलसीएम लेंगे, क्या है? 15, ठीक है? अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ भी हम छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दो, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है? इसके नीचे का नंबर देखो 3 है 3, तो बेटा इस 3 को छोड़ो, यहाँ कौन सा नंबर बचा? 5 बचा। इस 5 का बेटा इस 5 में ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है? ये प्लस। अब चलते हैं इधर। अब बेटा इधर कौन सा नंबर है? 5 है, तो बेटा इस 5 को छोड़ दो, कौन सा नंबर बचा? 3 बचा। इस 3 नंबर का इस ऊपर वाले 3 नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है? अब ये कितना हो गया? 25। और ये हो गया बेटा 9 और ये अपॉन 15। अब इन दोनों नंबर को जोड़िए, कितना आएगा? 34/15।
इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, किसका 10 और 15 का, यहां ले लेते हैं 10 और 15, सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5 और ये 15 सेम, अब बेटा 3 से डिवाइड करो ये 5 सेम और ये बेटा 5, अब 5 से डिवाइड करो 1 आया, ठीक है एलसीएम लिख लेते हैं 2 × 3 × 5 कितना हो जाएगा बेटा ये 2 × 3 6 6 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 30, ठीक है अब बेटा हमें एलसीएम मिल गया 30, तो आप क्या करोगे अपॉन में एलसीएम लिखोगे 30, ठीक है अब छोटी सी हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, ध्यान देना यहाँ डिनोमिनेटर में 10 लिखा है और बेटा 2 × 5 10 होता है, होता है कौन सा नंबर बच गया बेटा 3 बच गया 3, ये जो बचा हुआ नंबर है इसका ऊपर वाले नंबर में होता है मल्टीप्लाई, तो -9 में बेटा मल्टीप्लाई हो गया 3 का, ठीक है यहाँ प्लस साइन है प्लस लगा, अब आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है बेटा यहाँ 15, तो 3 × 5 क्या होता है 15, कौन सा नंबर छूटा बेटा 2 छूट गया, ये बचा हुआ नंबर का इस 22 में ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करो, तो बेटा 22 का इस 2 में करा मल्टीप्लाई, ये -9 × 3 27, ठीक है ये प्लस 22 × 2 44 अपॉन 30, ठीक है अब बेटा यदि आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है तो बेटा ये ट्रिक यहाँ मदद करेगी, किस तरह से ये माइनस का है ये प्लस का है, कौन से साइन अपोजिट साइन है, क्या करोगे नंबर माइनस करोगे, तो बेटा 44 में से 27 माइनस करो 17, और बच्चों आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 44 है उसके आगे प्लस है तो प्लस और अपॉन में क्या आएगा 30, आंसर क्या बना 17/30, यहाँ बेटा ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस साइन है बेटा, इस साइन से इस साइन को आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है क्या बचा 3/11 प्लस 5/9, ठीक है अब ध्यान दो डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, यदि अलग अलग नंबर होते हैं तो बेटा हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 11 और 9 का एलसीएम, सबसे पहले बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, 11 डिवाइड नहीं होगा वैसे ही लिख दो, 9 को डिवाइड करोगे 3 से 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 11 डिवाइड नहीं हो रहा वैसे लिख दो और यहाँ बेटा 1 आ गया, अब 11 से डिवाइड करोगे यहाँ 1 यहाँ 1, एलसीएम क्या बना बेटा एलसीएम बना 3 × 3 × 11, ठीक है कितना हो जाएगा ये 3 × 3 9 और 9 में बेटा 11 का मल्टीप्लाई 99, ठीक है अब हम सॉल्व करेंगे, नीचे बेटा डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखा जाता है तो 99, ठीक है अब हम छोटी सी ट्रिक लगाएंगे इससे कंफ्यूजन कभी नहीं होता, ध्यान देना बेटा इधर डिनोमिनेटर में 11 लिखा है तो बेटा यहाँ भी 11 है, ठीक है इस 11 को छोड़ के क्या बचा आपके पास बेटा 3 × 3 9 बचा, जो नंबर बचा बेटा उसका इस ऊपर वाले नंबर में करो मल्टीप्लाई, तो बेटा 3 का इस 9 में किया मल्टीप्लाई ये प्लस, अब बेटा इधर क्या है 9 है, कौन सा नंबर है 9, अब इधर ध्यान दो ये दोनों मिलके हो गए 9, कौन सा नंबर बचा 11 बचा, ये बचे हुए नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में करिए मल्टीप्लाई, तो 5 का 11 में मल्टीप्लाई,
थ्री इंटू नाइन 27, 5 इंटू 11 55 और अपॉन में 99। ठीक है, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। यदि आप ट्रिक से चलना चाहते हो तो बेटा ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, सेम साइन है, नंबर क्या होंगे, जुड़ेंगे, जोड़ दो, कितना आएगा 52। आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 55 है, उसके आगे प्लस है तो प्लस आ गया और ये अपॉन में 99। अब बेटा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसे लिख लेते हैं -8/19। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, बेटा बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, ये तो बच्चों रूल है। यदि आप ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का, ये लगा दिया, ये 2/57। ठीक है, अब बेटा नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लेते हैं 19 और 57 का, सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 19, फिर 19 से डिवाइड करो, 1 बार गया, एलसीएम आया बच्चों 3 × 19, कितना होगा 57। अब बेटा नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो 57। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे, यहाँ 19 लिखा है तो बेटा इस 19 को छोड़ो, कौन सा नंबर बचा, 3 बचा, इस नंबर का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, -8 का बेटा इस 3 में करा मल्टीप्लाई, ये माइनस, अब बेटा इधर क्या लिखा है 57 लिखा है। ठीक है, अब बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 57। ठीक है, तो बेटा इस 57 को छोड़ोगे तो कौन सा नंबर बचा, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो बेटा हम कह सकते हैं 1 बचा, इंटू 1 करके आप बात समझिए, तो बेटा 1 बचा, तो इनको छोड़ोगे 1 बचा, तो 1 का बेटा इस ऊपर वाले नंबर 2 में करो मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 × 3 = 24, ये माइनस साइन है, माइनस लगाया, ये माइनस लगाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और ये अकाउंट में 57। ठीक है, अब यहाँ बेटा इन्हें हमें सॉल्व करना है, साइन देखे, ये माइनस का है, ये माइनस का है, सेम साइन है, नंबर क्या होंगे, जुड़ेंगे, 24 में 2 जोड़ोगे 26। आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 24 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो और अपॉन में 57। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है, -2/3 + 0। बेटा इस फ्रैक्शन में यदि आप 0 जोड़ते हो तो बेटा -2/3 ही आएगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या बना, -2/3। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सबसे पहले बच्चों इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, किस तरह से, इन दोनों नंबर का होगा मल्टीप्लाई, जो नंबर आएगा बेटा उसमें हम ऊपर वाला नंबर 1 जोड़ेंगे, बिल्कुल वही बात यहाँ भी, इन दोनों नंबर का होगा मल्टीप्लाई, जो नंबर आएगा बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे, कर देते हैं सॉल्व, ये माइनस 2/3 में करा मल्टीप्लाई और बेटा ऊपर वाला नंबर 1 जोड़ दिया और अपॉन में 3। ठीक है, ये प्लस, इन दोनों नंबर का करा मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर 3 जोड़ दिया, अपॉन में 5, ये माइनस, ये बेटा 6 + 1 = 7 और ये अपॉन 3, ये 20 + 3 = 23/5। बेटा हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अब बच्चों हम इसे आगे सॉल्व करेंगे।
आप ध्यान दो, डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर, तो बेटा क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, ये 5, अब 5 से डिवाइड करो 1 आ गया, एलसीएम आया बच्चों 3 × 5 कितना हो गया 15। ठीक है, ये जो एलसीएम आया बेटा उसे अपॉन में या डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करना है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला 3 मिला, तो बेटा आप इस 3 को छोड़ो, कौन सा नंबर बचा 5 बचा, इस नंबर का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में होता है मल्टीप्लाई, तो -7 का बेटा इस 5 में कीजिए मल्टीप्लाई, ये प्लस, अब बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, तो बच्चों इस 5 को आप छोड़ दो, क्या बचा बेटा 3 बचा, जो बचा उस नंबर का इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, 23 का बेटा इस 3 में करा मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35, माइनस साइन है लगा दो, 23 का 3 में मल्टीप्लाई 69 और ये अपॉन में 15, अब ये माइनस का है ये प्लस का है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, नंबर माइनस होते हैं, 69 में से 35 माइनस कर लो कितना आएगा बेटा 34, और बेटा आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 69 है, उसके आगे प्लस है, प्लस लगा दो और अपॉन में 15, इस तरह से बच्चों आंसर आया 34/15।